बच्चों बीबी एजुकेशन आप लोग का स्वागत है। देखिए पार्ट फाइव, देखिए पार्ट फोर तक ये 18 नंबर तक सवाल कर दिया हूँ, 18 नंबर सवाल तक कर दिया हूँ। आज जो हम लोग करेंगे हम लोग आज करेंगे, देखिए 19 नंबर से दो संख्या का योगफल 384 एवं दो संख्या का मौसम 48 हो तो दोनों संख्या क्या क्या हो सकता है बताओ। देखिए क्या क्या संख्या हो सकता है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसा रहे तो आप लोग लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। देखिए पहले सर्वप्रथम आप लोग लिखिएगा जैसे कि दिया हुआ है, दो संख्या का योगफल, तो यहां लिख दीजिए दो संख्या का योगफल, ये लिख दीजिए यहां पर दो संख्या का योगफल, दो संख्या का योग फल 384। ये देखिए 384 हो गया योगफल। अब देखिए दो संख्या का मौसम, मौसम पर कितना है, मौसम पर दो संख्या का मौसम कितना 48। तो दो संख्या क्या क्या हो सकता है बताओ। तो देखिए जब भी ऐसा रहे तो क्या कीजिएगा, इस संख्या में संख्या से भाग दे दीजिए, लॉस निकल जाएगा। तो भाग दे देंगे तो हम लोग देखिए इसे भाग दे देंगे 384 भागा 48, देखिए 8 बार में कट गया। अब 8 जो आ गया इसको दो भाग में क्या क्या में तोड़ सकते हैं, दोनों संख्या क्या क्या हो सकता है। तो अब देखिए 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 अगर जहां है इसको 1+7 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं दूसरा 2+6, 3+5 और 1, 2, 3 और 4+4 एक ही होगा, लेकिन क्या बोला है मौसम पर 48 होना चाहिए, मौसम पर 48 जो भी हो मौसम पर क्या होना चाहिए 48 होना चाहिए। तो पहला वाला करके देखते हैं, जैसे कि 1+7 तो 1+7 का हो गया मतलब 1×48 तो 48 हो जाएगा, और दूसरा 7×48 कर दीजिए 7×8=56, 7×8=56 और ये हो गया कितना 7×8=56 5×7=28 29, 30, 31, 32, 33 एक संख्या तो ये हो गया। मौसम तो देखिए इसका 48 होगा ही क्योंकि सबसे छोटा है। अब देखिए दूसरा संख्या दे लिया, जैसे कि ये देखिए 2×48 कितना हो जाएगा 96 और 6×48 तो ये क्या हो जाएगा देखिए 48 8×6=48 4 6×6=24, 25, 26, 27, 28 ये हो गया देखिए। और एक कर लेते ये जो हुआ इसको भी करके देखते हैं, 3×48 तो 8×24 2 4×12 13×14 और ये 5×48 8×5=40 तो ये कितना हो जाएगा 8×5=40 तो बच गया 4×5=20, 20×4=24 ये जो देखिए ये दो संख्या कितना निकला 1, 2, 3 जोड़ी। इसमें से बोला है आप लोग को योगफल कितना होना चाहिए 384 और दो संख्या का मौसम पर इतना होना चाहिए। तो अब देखते हैं ये जोड़ के, पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, मौसम पर तो यही हो जाएगा अगर जहां कहीं ये दोनों को जोड़े तो आप लोग को पता है। देखिए जोड़ा कर लेते हैं 48 और 336, 36 का योगफल, देखिए योगफल कर लेते हैं यहां पे 336 और 48 8×6=14, 4×4=8, 384। देखिए योगफल इतना हो रहा है और मौसम तो होगा ही इतना। अब देखिए दूसरा संख्या
अगर ये दोनों जोड़े तो देखिए 288 और 96, 8 × 6 = 14, हाथ में ले 1 × 9 = 10, 10 × 8 = 18, 3 × 3 = 84। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ये दोनों भी हो सकता है। कोई कितना बोला है, दोनों संख्या क्या क्या हो सकता है, ये भी लिख दीजिए और ये भी लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए। जैसे कि आंसर में ये दोनों दिया हुआ था, ये दोनों को लिख दीजिए इसे, ये और 240। ये दोनों का देखिए, ये दोनों जो निकला है, ये दोनों का लॉसा और योगफल दोनों बराबर ही होगा। तो अब अगला नंबर देखते हैं। देखिए जैसे सवाल में दिया हुआ 20 नंबर, दो संख्या का मौसा और लॉसा यथाक्रम, देखिए मौसा जो है 12 है और लॉसा जो है वो 720 है, तो बताओ इस प्रकार कि कितने जोड़े संख्या हो सकता है और संभावित संख्या कौन कौन सी है, संभावित संख्या कौन कौन सा है जो कि देखिए जिसका मौसा 12 होगा और लॉसा जो होगा 720। तो सर्वप्रथम हम लोग देखिए लिखेंगे कि मौसा को 20 नंबर, दो संख्या का मौसा 12 है और जो देखिए लॉसा है 720, जब भी ऐसा रहेगा तो संख्या को निकाल लीजिए पहले, वो संख्या क्या होगा, तो 720/12 बरछाक 72 60 हो गया संख्या, वो संख्या कितना निकला 60 निकला। अब 60 को गुना करके देखते हैं, देखिए 60 कैसे कैसे हो सकता है, देखिए सर्वप्रथम 60 × 1 तो कितना हो जाएगा 60, और दूसरा क्या हो सकता है भाई, देखिए 30 × 2 60, और उसके बाद 20 × 3 60, और देखिए 15 × 4 15 × 4 = 60 और 12 × 5 = 60 और 10 × 6 = 60। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकला है। इसमें से देखिए कौन कौन संख्या निकलता है जिसका मौसा पौ 12 और लॉसा 720 होता है। तो पहला वाला का चेक करते हैं, देखिए पहले वाला जैसे है मौसा पौ निकालते हैं, अगर मौसा पौ करे तो 1 × 12 12, तो ये 12 हो गया। और अब देखिए लॉसा के लिए कितना होगा, 60 × 12 = 72। देखिए पहला तो संख्या मिल गया, ये खुद ही है, अब दूसरा संख्या में देखते हैं, देखिए जैसे कि ये 2 × 12 12 × 2 = 24 और 30 कर देंगे, 30 × 12 36। अब देखिए मौसा इतना आया है लॉसा ये, इसका करके देखते हैं पहले हम लोग, देखिए 24 और ये कितना हो जाएगा 24 और 360, 2 × 12 = 12 और 18 × 2 = 36, फिर देखिए 2 × 12 = 6 और ये 90, फिर 2 × 12 = 3 और ये 45, फिर 3 × 12 = 3 × 3 और 15 × 3 = 45। देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 6 × 12 = 12, 12 × 2 = 24, तो ये जोड़ा नहीं हुआ, ये जोड़ा नहीं हुआ, एक जोड़ा हो गया है ये। अब देखिए उसके बाद किससे देखेंगे, इससे करके चेक करके देखेंगे, चेक करके देखते हैं, क्योंकि इस जैसे लिए तो मौसा कितना हो गया इसका 3 × 6, 6 × 12, 12 × 2 = 24, ये हो गया तो नहीं हो पाएगा, तब दूसरा संख्या चेक करते हैं इसको देख करके, ये वाला संख्या नहीं हुआ, ये वाला संख्या हो गया। अब देखिए यहां पे जैसे 3 × 12 = 36 और ये देखिए 20 बच गया, 20 × 12 = 24, 240। इसका लॉसा लेके देखते हैं, लॉसा लेते पहले, देखिए यहां पे लॉसा
36 और 200 ये 12 से दे देते, 12 36 और 12 दुना 24। देखिए ये तो अगर जा करे तो इसका तो लौसा तो मौसा तो 12 आ गया। अब लौसा देखते हैं, 12 दिया 36, 36 दुना 72, ये संख्या परफेक्ट है, ये संख्या हो गया। इसका लौसा कितना हो रहा है, 12 और एक जोड़ा, ये दो जोड़ा, अब तीसरा जोड़ा देखते हैं ये, जैसे कि इसको इसको क्या कर सकते, किससे कितना से कर सकते हैं, यहां पे देखिए यहीं पे कर लेते हैं, ये 4 से 4 गुने 12 बचो 48 और 15 गुने 12 देखिए 12 पंचे 60 हाथ मरल 6 12 12 12 6 18 180 इसका भी चेक कर लेते हैं, 48 और 180 12 से बढ़ चौके 48 और 12 कम 12 12 पंचे 60 इसका भी नहीं होगा, तो ये भी दो तीसरा जोड़ा हो गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला 5 गुने 12 12 पंचे 60 5 गुने 12 गुने 12 बड़े 144 इसका लॉस लेके देखते हैं, देखिए 60 और 144 12 से 12 पंचे 60 बड़े 44 तो ये भी संख्या हो गया, ये चौथा संख्या कंप्लीट। और पांचवा संख्या में देखिए, जैसे 10 और 6 6 गुने 12 बरछा के 72 और ये 10 गुने 12 10 गुने 12 120 ये दोनों का लॉस ले लेते हैं, 72 और 120 12 से बरछाक 72 12 धन यार ये 2 से भी चला जाएगा तो ये नहीं होगा। तो टोटल जोड़ा कितना हो रहा है हम लोग को, यहाँ पे जैसे संख्या में पूछा था कि इस प्रकार बताओ कितने जोड़े हो सकता है एवं संभावना कौन कौन सा है। तो देखिए ये सब तो मौसम जब निकल जा रहा है लॉस तो वही होगा, लॉस निकाल के देखिए, जैसे कि इसका ये हुआ है, इसका देखिए 4 आया था ना, इसका इस 60 और 144 को देखिए बड़े बड़े 44 से और ये 5 144 गुने 5 उतना पहुंच ही जाएगा, तो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 4 जोड़ा संभव है, 4 जो जोड़ा संभव है भाव है। अब कौन कौन सा देखिए, पहला जो ये है 12 720, अब दूसरा कौन सा है देखिए भाई, ये दूसरा 36 और 240, तीसरा 48 180, चौथा ये 60 और 144, ये जोड़ा जो है जिसका लॉस ऑफ मॉस ऑफ 12 होगा और जो है लॉस ऑफ 720 होगा। ये आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब 21 नंबर देखते हैं, देखिए देखिए 21 नंबर, कौन सी छोटी संख्या से 4000 को वियोग करने पर वियोग फल 7 11 और 13 से विभाज्य होगा बताओ। जब भी देखिए ऐसे विभाज्य संख्या पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा, सर्वप्रथम इसका लॉस ले लीजिएगा विभाज्य संख्या। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 21 नंबर का ये इसका लॉस ले लेंगे, 7 11 और 13 का लॉस। देखिए लॉस तो किसी से कटेगा नहीं, तो इसको गुना कर लेंगे, 7 गुने 11 11 सत्य 77 गुने 13, देखिए 13 तो 64 65 78 63 91 9 91 और इधर था 9 तो हो गया 1001। तो अब देखिए कौन सी छोटी संख्या से वियोग करने पर इसे विभाजित होगा। देखिए इसमें तो सबसे विभाजित होगा, ये तो सबसे विभाजित हो रहा है ना, इसको क्या करेंगे आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4000 प्लस 101 मतलब जोड़ेंगे तो कितना होगा 1001005। ये संख्या जो हुआ ये इस संख्या में से 4000 घटाएंगे तो ये क्या होगा, सब में
कहीं ना कहीं 7, 11 और 13 से विभाज्य होगा। तो आप लोग खाली लिख दीजिएगा 5001, 5001 है ऐसा संख्या। इसमें अगर जाकर आप लोग 4000 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 101 हो जाए, 1001 हो जाएगा। 1001 से 1001 में 7 से भाग दीजिए या 11 से भाग दीजिए या 13 से भाग दीजिए, वो विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि अब 22 नंबर है, 50 और 100 के मध्यवर्ती दो संख्या खोजो जिसका मौसम 16 हो, मौसम कितना हो 16 हो, मध्यवर्ती। देखिए पहले मध्यवर्ती बोलते क्या, इसके बीच में 16, देखिए कौन कौन सा आएगा, 16 16 32 16 48, 16 चौका 64, 16 5 80, 16 6 96, 96 हुआ मध्यवर्ती जोड़ा खोजो जो जिसका मौसम पर क्या होगा 16 होगा। ये जो कितना आया, तीन संख्या है, अगर इसका मौसम पर बोला है, मौसम पर पहले कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो पहले ये दोनों का चेक करते हैं हम लोग, ये दोनों का 64 और 80 का करते हैं कि मौसम पर कितना आ रहा है भाई, 64 और 80, ये हो गया 80, दो का बड़ा से 32 और ये 40, फिर दो का बड़ा से 16 और ये 20, फिर दो का बड़ा से कितना हो जाएगा 8 और ये 10, फिर दो का बड़ा से 4 और 5, इतना हो गया। अब देखिए अभी तो नहीं होगा, दो दिन 4, 4 दिन 8, 8 दिन 16, तो पहला जोड़ा तो मिल गया हम लोग को, ये मौसम पर 64 और 80 का क्या होगा, का मौसम पर, का मौसम पर कितना होगा 16 होगा। अब दूसरा जोड़ा ढूंढते हैं ये दोनों में, है ना, ये 80 और 96 में, 80 और 96 का लॉस अभी ले लेते हैं, डायरेक्ट चेक करते हैं 16 से, 16 5 80 16 6 96, ये पता चली जा रहा है। तो दो जोड़ा तो हम लोग का ऐसे ही मिल गया, 80 और ये 96 हो गया। ये दोनों जोड़ा से का क्या होगा, जोड़ा मध्यवर्ती जो होगा इसके मध्य में है, जो कि क्या होगा 16, इसका दोनों का मौसम पर होगा। अब देखिए जिसके 23 नंबर बोला है, यहाँ पे 23 नंबर 28 33 42 और 77 द्वारा विभाज्य जो संख्या 98,765 से नजदीक, उसे ढूंढकर बाहर निकालो, इसको ढूंढकर बाहर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो संख्या दिया हुआ है ये विभाज्य संख्या का लॉस ऑफ पर निकालिएगा, विभाज्य संख्या का लॉस ऑफ पर। तो यहां देखिए 23 नंबर जैसे करते हैं हम लोग, विभाज्य संख्या का लॉस ऑफ, विभाज्य ये इसका लॉस ऑफ ले लेते हैं डायरेक्ट, देखिए कितना है 28 33 42 और 77 का लॉस लेते हैं, दो का बड़ा से 14 33 21 और 77, अब ये तीन का बड़ा से 14 11 7, तीन का बड़ा में जाएगा, देखिए तीन का बड़ा में 3 2 6 नहीं जाएगा 77। अब एक ही बार 7 का परामर्श दे देते हैं, 7 2 14 11 1 77 1 और 1, अब देखिए 11 का पारा से 2 1 1 और 1, अब गुना कर दीजिए 11 दुना 22 लॉस ऑफ पर ले लेते हैं, लॉस ऑफ 2 × 3 × ये भी 2 है तो लिख लेते हैं, 2 2 2 3 7 और 11, 2 2 4 4 3 12 12 12 12 24 36 42 46 64 84 × 11 4 8 4 8 4, देखिए 4 हो गया और ये 8 4 12 2 1 9, ये संख्या आया। इस संख्या से अब क्या कीजिए आप लोग, इसको भाग दे दीजिए, इसको भाग दे दीजिए, इसके भाग दे के देख लेते हैं हम लोग, 9 8 7 6
65 इसको भाग दे देंगे हम लोग, ये देखिए भाग दे देते हैं 924, पहले एक बार में जाएगा 924 देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया आपका 6 और ये कट गया। अभी हम 100 उतार लेते हैं। अब देखिए इसमें से कितना होगा, एक बार में तो होगा नहीं, एक उतारने के बाद तो और एक संख्या उतारना होगा 5, यहाँ 0। अब करके देखते हैं, देखिए 9 × 98 = 36 × 45 = 56 × 54 × 7 = 53 × 6 = 54 छह बार में करके देखते हैं, इसको 6 से गुना कर देते हैं। देखिए 6 से गुना करते हैं इसको कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 24 24 × 4 = 2 6 × 12 = 13 14 × 1 = 55 ये देखिए हो गया। अगर 7 से करेंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो 6 बार में देखिए इसको कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 5 4 4 1 1 13 13 तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 हो गया और 13 तो 7 7 8 9 10 11 12 13 8 8 5 8 9 10 11 12 13 8 8 11 बज गया शेष। अब क्या बोला है यहां पे सवाल में देखिए कि इससे नजदीक हो, ये नजदीक हो, अगर जा कहीं हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे, गुना कर लेते हैं, देखिए 900 फिर भी देखिए इतना बच जाएगा, तो इसको पहले एक बार गुना कर लेते हैं 1096 ठीक है। तो अब देखिए 6 से 6 × 6 = 24 2 6 × 12 = 13 14 14 हाथ में 1 9 × 54 54 × 1 = 55 इतना हुआ। अब 0 से 0 0 0 अब देखिए 4 2 9 4 4 9 7 9 तो ये तो, लेकिन इससे देखिए नजदीक तो है लेकिन ये क्या है, इससे छोटा है। और एक संख्या ले लेते हैं, एक संख्या हम लोग एक इससे बड़ा, इसमें एक जोड़ देंगे तो 106 + 1 107 107 से भी करके देख लेते हैं हम नजदीक वाला 107 गुने 7 × 28 2 7 × 14 15 16 हाथ बनल 1 9 7 63 63 1 64 0 0 0 4 2 9 8 6 8 8 9 मतलब एक तो इसका एक संख्या तो ये आ गया 97,944 और ये दूसरा आ गया 9 8 8 8 6 8 देखिए 7 × 28 28 × 2 7 × 14 15 16 16 हुआ था तो उसके बाद कितना लिए थे 1 9 7 63 64 ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए ये जोड़ दिया 4 ये 6 ये 8 8 ठीक, ये सही है सही है। तो अब देख लेते हैं इसमें पास में कौन संख्या आता है, इसके पास में देखिए, जैसे कि हम लोग पास में देखेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे 9 8 7 6 7 इसको घटा देते हैं इससे 9 7 9 4 4 अब घटाइए 5 में से 4 गया 1 6 में से 4 गया 2 7 यहां पे 7 था 1 ले लेंगे 17 17 में से 9 गया तो 8 821 अब देखिए इसमें से घटा के देखते हैं 8 8 8 6 8 घटाओ 9 8 7 6 5 देखिए इसमें 3 और ये हो गया 6 में से 6 गया 0 8 में से 7 गया 1 103 नजदीक संख्या कौन हो गया, ये वाला। तो आप लोग आंसर में इसको लिख सकते हैं 9 8 8 8 6 8 ये निकटतम संख्या हो गया आपका।
देखिए यहाँ पे बोला है कि अब 24 नंबर देखे कि बताओ तो 13 से विभाज्य एक ऐसी छोटी संख्या ढूंढो जो 8, 12, 16 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक क्षेत्र में एक शेष बचेगा। जब भी ऐसा बोले तो आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया था कि 24 कोई भी नंबर हो तो इसका पहले लॉस ले लीजिए, 8, 12, 16 और 20 का लॉस लीजिए, 2 का बड़ा से 4, ये हो गया 6, 8, 10, फिर 2 का बड़ा से 2, 3, 4, 5, अब 2 का बड़ा से 1, 3, 2, 5, अब नहीं होगा तो अब देखिए गुना कर लीजिए, लॉस 2 × 2 × 2, ये वाला भी 2, 3, 5, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 16 = 32, इधर से कर लेते हैं 5 × 3 = 15, 15 × 30 = 60, 60 × 6 = 12, 12 × 24 = 240, 240 हो गया। अब देखिए 240 से भाग देने प्रत्येक क्षेत्र में एक शेष बचे, हम लोग पहले क्या करेंगे इसको गुना करके एक जोड़ देंगे, जैसे कि 240 है गुने एक तो कितना हो गया 240, उसमें क्या करेंगे एक शेषफल बचेगा, शेषफल इसमें तो शेषफल बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक पहले ही जोड़ देंगे, कितना होगा 241, और एक संख्या ले लेते हैं, देखिए 240 गुने दो और जोड़, देखिए 0, 4 × 2 = 8, 2 × 4 प्लस 1 100, मतलब हो गया 481, और एक कर लेते हैं, देखिए 240 गुने 3 तो 0, 4 × 3 = 12, हाथ में 1, 3 × 6 = 61 प्लस 1 बराबर तो 721। अब देखिए किसमें पूर्णता भाग हो जाने के बाद शेष क्या बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि एक तो हम लोग का पहले ही कर दिए, पहला संख्या का देखते हैं ट्राई करके, देखिए 241 भागा 13, 13 × 13 इधर घटाइए 1 और 1 = 97, 13 × 8 = 74 ये तो ज्यादा बच जा रहा है, देखिए 10 में से घटाइए 11, 7 = 7, 4 = 11 नहीं हो रहा है, तो देखिए पूर्णतः कट विभाजित हो, ये भी बोल रहा है विभाज्य हो, अब इसमें देख के देखते हैं 481 में 13 से 13 × 26 = 39, 33 × 39 = 39 तो ये 1, 9 ये हो गया 93, 91 देखिए हम लोग को मिल गया ये संख्या जो कौन होगा, ये संख्या होगा, क्या होगा प्रत्येक क्षेत्र में शेष बचेगा। अब देखिए इसमें से इसको भाग देंगे तो 13 से विभाजित भी वो हो जाएगा, और एक क्या करें हैं कि इसमें शेष बचना चाहिए तो शेष बचने जोड़ दिए हैं, तो ये प्रत्येक से सबसे जोड़ देंगे, इसमें भाग देंगे तो सब में क्या बचेगा, एक शेष बच ही जाएगा, तो इसलिए कितना लिखेंगे हम लोग 481 आप लोग का आंसर हो गया। इस प्रकार देखिए हम लोग का क्लास 6 12 का पूरा सवाल समाधान पार्ट 5 में हो गया।